बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाइनिंग स्टार्स ऑफ तालीम इस्लाम। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे इंग्लिश लेक्चर। काइंडली ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक एट पेज वन। हियर इज यूनिट नंबर वन। टॉपिक इज़ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन दोस्त। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है, प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्ड सेंटेंसा को रीड आउट किया था। आज हम फोर्थ सेंटेंसा को पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे इंग्लिश लेक्चर। काइंडली स्पीक विद मी विद लाउडली वॉइस। सो many gentle friends are near whom one can scarcely see. A child should never feel a fear wherever he may be. Now repeat this sentence with me. So many gentle friends are near whom one can scarcely see. A child should never feel a fear wherever he may be. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी ये poem complete हो गई है। I hope all of you enjoy this poem. Now we read out verse meanings according to four sentences. The word is scarcely, as scarcely, scarcely, scarcely mean बा मुश्किल, pretty things, खूबसूरत चीज़ें। Repeat this, scarcely, बा मुश्किल, pretty things, खूबसूरत चीज़ें। Dear students, जैसा कि आपको मालूम है, इस poem के words meaning complete हो चुके हैं। Now you will be learn these words meanings and you also do practice on your rough register. और dear students, कुछ हमने वर्ड्स मीनिंग जो किए हैं इस फोर्थ सेंटेंसा के, यानी कि हमने नाइन्थ एंड टेंथ वाले वर्ड्स मीनिंग किए हैं, वो आप अपने नीट नोटबुक पे भी राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए आज की एक्टिविटी है, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आप दोस्त रखते हैं, क्या आपका कोई दोस्त है? तो आपने बच्चों मुझे बताना है कि आपके कोई दोस्त है। इफ़ यू हैव फ्रेंड्स दैन टेल मी देयर नेम्स। बच्चों आपको मालूम है, लाइफ इज़ बेटर विथ फ्रेंड्स, ये बहुत ज़बरदस्त कोटेशन है और बहुत खूबसूरत बयान की गई है कि लाइफ इज़ बेटर, लाइफ बहुत बेहतर है विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ लाइफ बहुत बेटर होती है। बच्चों आप लोगों के लिए आज के लिए ये भी एडवाइस है, जब भी आप फ्रेंड्स बनाएं, अच्छे बनाएं, क्योंकि अच्छी कंपनी वाले फ्रेंड्स ही आपके लिए बेटर होते हैं लाइफ के लिए। अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए फ्रेंड्स भी अच्छे ही होने चाहिए। तो ये आपके लिए मॉरल भी हो गया है कि लाइफ में हमेशा फ्रेंड्स अच्छे बनाना। तो अब हम डायरी की तरफ चलते हैं। बच्चों आज की आपकी डायरी है लेसन नंबर वन, पेज नंबर वन, यानी कि आपने पेज नंबर वन की मुकम्मल बुक रीडिंग करनी है एंड वर्ड्स मीनिंग्स को याद करना है। वर्ड्स मीनिंग आपके 1 to 10 होंगे जो आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आपने इसको लर्न भी करना है, राइट भी करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।